एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाज क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालाज क्लासेस पर धुआंधार स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं एक 160 श्रृंखला को, जो छूट चुके हैं और जो बचे हुए हैं उन सभी के लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप शुरू करिए, आज शुरू करिए, अभी शुरू करिए, इसी वक्त शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम आपके हाथ में है और एग्जाम आपको क्रैक करना है और एग्जाम्स के नंबर 80 पार आपको करना है और इस जीत के जश्न को आपको सेलिब्रेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट वीडियो को, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कहीं कोई वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक देखोगे, एक एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड प्लस आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, यूपी, आईसीएसई, सीबीएसई, वन शॉट है ये, वन शॉट है। वन शॉट का मतलब क्या चीज होता है, इसमें सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक, सेंट्रल आइडिया, जो भी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, सब कुछ इसी में है। एक वीडियो में पूरा डस्ट ऑफ स्नो खल्लास, एक वीडियो की आस, पूरा डस्ट ऑफ स्नो खल्लास, ठीक है। तो शुरू करते हैं धुआंधार, जितने भी लोग यहां देख रहे हैं वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दें, और हां अगर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख डालें, आज ही आपका डस्ट ऑफ स्नो पूरा तैयार हो जाएगा, हमारे साथ जरूर रिविजन करिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट नंबर वन, एक एक पॉइंट को मैंने पूरा बनाया है। पॉइंट नंबर वन यहां क्या लिखा गया है, यहां लिखा गया डस्ट ऑफ स्नो, क्या लिखा गया है, डस्ट ऑफ स्नो, और डस्ट ऑफ स्नो को लिखा किसने है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो प्लीज आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है, सभी लोग फटाफट याद कर लीजिए डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। प्लीज ROBERT रॉबर्ट या FROST फ्रॉस्ट, प्लीज प्लीज सभी लोग याद कर लिए। चले वेरी नाइस सुपर्ब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जितने भी यूपी बोर्ड्स और सीबीएसई वाले हैं, ठीक है ना, आप लैंग्वेज पे ना जा करके आप तैयारी को देखें, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट मैंने सेंट्रल आइडिया तक मैंने लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है स्टेंजा फॉर कंप्रिहेंशन, क्या लिखा गया है, स्टेंजा फॉर कंप्रिहेंशन, रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। पहला यहाँ पर पोएम दिया है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम मी हेड आफ्टर। कवि कहता है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम मी हेड आफ्टर। कवि एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा है, हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का वृक्ष, और द वे क्रो वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने सुक डाउन ऑन मी वृक्ष को हिलाया, एंड द डस्ट ऑफ स्नो सुक डाउन ऑन मी, और बर्फ के कण हमारे ऊपर गिर पड़े। तो चलिए अर्थ नहीं क्वेश्चन चाहिए। समोसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट जवाब रिशोले। क्वेश्चन नंबर एक, यहां पर क्वेश्चन नंबर एक लिखा गया है, यहां पर क्या दिया क्वेश्चन नंबर एक, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, लेखक कहां खड़ा था, वेयर वाज द, तो यहां लिखा गया आंसर द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द मैंगो ट्री, नहीं होगा यहां पर होगा हेमलॉक ट्री, यहां पर होगा हेमलॉक ट्री। प्लीज यहां पर क्या होगा, हेमलॉक ट्री। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, डस्ट ऑफ स्नो लिखा है किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट में, एक स्क्रीनशॉट उसका लेंगे, दूसरा स्क्रीनशॉट इसका लीजिए सभी लोग, अभी बाद में आप नोट्स बनाइएगा। चलिए यहां तक हो गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर दो, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु वाज, क्वेश्चन नंबर दो क्या दिया है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, तो हु काट करके यहां लिखा गया क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। सेकेंड क्वेश्चन सभी को तैयार हो गया, सभी को एकदम सिंपल, एकदम इजी, एकदम मेड इजी इंग्लिश, ठीक है ना, चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हु आर सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो वाच, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कह रहा है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, बर्फ के कण कहाँ गिरे। तो यहाँ हो जाएगा द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, यहाँ लिखा गया है वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण कहाँ गिरे, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। एक स्क्रीनशॉट करिए सभी लोग, एक स्क्रीनशॉट करिए क्वेश्चन नंबर तीन का, प्लीज सभी लोग एक स्क्रीनशॉट करिए फटाफट, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर चार की तरफ, क्वेश्चन नंबर चार क्या कर रहा है, अंडर विच ट्रीज वाज द पोएट स्टैंडिंग, ठीक ना, क्या बोला है,
अंडर विच ट्री वाज द, मतलब किस पेड़ के नीचे कवि खड़ा हुआ है, तो यहाँ द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर गलत था, यहाँ से आपको प्रूफ हो गया, वहाँ मैंगो ट्री लिखा था, हेमलॉक ट्री होगा। प्लीज प्लीज हेमलॉक ट्री होगा। एक स्क्रीन शॉट करिए आप लोग, एक स्क्रीन शॉट करिए प्लीज, सभी लोग फटाफट करिए, एक स्क्रीन शॉट करिए सभी लोग आप लोग, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन शॉट करें फटाफट, एक स्क्रीन शॉट करिए। चलिए ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हेलो गाइस, कचौड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, यहाँ दिया है हैज गिवन माई हर्ट, सेकेंड स्टेंजा आ गया, हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। ठीक है, मतलब हैज गिवन, कवि अपनी मनोदशा के बारे में वर्णन करता है, ठीक ना, हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। कवि दुखी, दुख में था, कवि क्या था, दुखी था या दुख में था, ठीक ना, हैज गिवन माई हर्ट एंड ए, और कवि के ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिर गया और इससे कवि की मनोदशा, हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, इससे कवि की मनोदशा क्या हो गई, बदल गई, और एंड सेव्ड सम पार्ट, और वो पूरा दिन ऑफ ए डे, और वो दिन के शेष भाग में आई हैड रूड, वो क्या था, बहुत दुखी। हेलो गाइस, जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिनल केक। देखेंगे हम किसकी तरफ देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है Did the poet remain happy during the rest of the day? ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा Did the poem remain happy during the rest of the day? तो ठीक ना, मतलब क्या कवि, यहाँ पर क्या चीज़ होगा, क्या कवि happy, मतलब क्या था, प्रसन्न था, ठीक ना, क्या लेखक बाकी के दिन खुश रहा, तो हाँ, yes, the poet remained happy during the rest of the day। हाँ 100% मैंने सही लिखा है, और यही लिखना है आपको, आप अपना नहीं लिखेंगे, अभी पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा एक एक पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, घबराइए मत। तो डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, तो मतलब क्या कवि, या क्या, हाँ वही, क्या कवि बाकी के दिन खुश रहा, तो द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन बाकी के बचे दिन में कवि क्या था, खुश रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, चलिए एक स्क्रीन शॉट लीजिए सभी लोग, लीजिए प्लीज़ एक स्क्रीन शॉट लीजिए, वेरी नाइस। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो सेक डाउन, विच पार्टिकल्स मतलब किसके कण को कवि ने, क्या कौवे ने गिराया, ठीक ना, कौवे ने किसके कण को गिराया था, ठीक ना, तो द क्रो सूक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द क्रो सूक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। चलिए एक स्क्रीन शॉट लीजिए सभी लोग फटाफट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हमारे साथ तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बाई होम द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कम्पोज बाई, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कम्पोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कम्पोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसी स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आपको याद रहेगा, आप अपनी कॉपी को भी ब्लैक पेन में लिखे रहेंगे, जिससे आप तैयार करके वहाँ बेस्ट लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं 3 के बाद, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा है, हेयर आई स्टैंड फॉर, यहाँ आई किसके लिए है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ आई किसके लिए है, तो सिंपल शब्दों में हो जाएगा, यहाँ पर आई जो दिया गया है वो दिया गया किसके लिए, पोएट के लिए, कवि के लिए, आई स्टैंड फॉर पोएट, और यहाँ किसके लिए है, मैं कवि के लिए है, तो CBSE UP दोनों के लिए दी बेस्ट मैंने तैयार किया है, दोनों लोग कंबाइंड देख सकते हैं आराम से, उनके लिए इंग्लिश में है और यूपी बोर्ड्स के लिए हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में है, ठीक है ना। चलिए एक आप स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। चलिए हेलो गाइस, पकौड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिटर्स। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, बहुत अच्छा, सेंट्रल आइडिया मतलब होता है मुख्य बिंदु, ध्यान सुनिए, द पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, द पोयम मतलब कविता एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस, एक्सप्रेसेस मतलब होता है व्यक्त करना, द सिग्निफिकेंस मतलब होता महत्व, क्या चीज होता है, महत्व, ठीक है ना, ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी वस्तुओं की, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, चेंजिंग मतलब जो बदल देती है, वंस एटीट्यूड
किसी के एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण या आदत या व्यवहार, ठीक ना। तो द पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। यह कविता ठीक ना, यह कविता किसी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए बहुत छोटी सी व्यक्ति के महत्व को क्या करती है, व्यक्त करती है। बहुत छोटी सी वस्तु के महत्व को क्या करती है, व्यक्त करती है। द पोएट अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स। द पोएट मतलब कवि अप्रिसिएट सहन करता है, या अप्रिसिएट मतलब सराहना करता है, प्रशंसा करता है द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स। स्नो मतलब होता है बर्फ, फ्लैक्स मतलब टुकड़े की, ब्यूटी मतलब सुंदरता। द पोएट अप्रिसिएट, द पोएट मतलब कवि अप्रिसिएट सराहना करता है द ब्यूटी मतलब सुंदरता की ऑफ द स्नोफ्लेक्स बर्फ के टुकड़े की। तो कवि बर्फ के टुकड़े की क्या करता है, सराहना, बर्फ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना करता है। विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड मेनी प्रेसियस मोमेंट फ्रॉम बींग वेस्टेड अवे। विच मीन्स जो कि, या जिसने चेंज बदल दिया हिज मूड मेरे विचार को, एंड सेव्ड और बचा लिया मेनी प्रेसियस, मेनी मतलब कई, प्रेसियस मतलब होता बहुमूल्य, प्रेसियस मतलब क्या होता बहुमूल्य कीमती मोमेंट मतलब क्षणों को, फ्रॉम बींग वेस्टेड अवे बर्बाद होने से, जिसने मेरे विचार को बदल करके मेरे बर्बाद होने से बचे हुए मोमेंट को, या मेरे दिन को सेव कर लिया, बर्बाद होने से मेरे दिन को बचा लिया। द क्रो सेक ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कौवा सेक ऑफ हटाता है द स्नो डस्ट बर्फ के धूल को फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, फ्रॉम द हेमलॉक धतूरे के पेड़ से, कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के धूल को या बर्फ के कण को क्या करता है, सेक ऑफ हटाता है। द सेम वे उसी प्रकार, वन कैन सेक ऑफ, वन मतलब कोई भी, किसी भी, कोई भी व्यक्ति सेक ऑफ हटा सकता है द सैडनेस, सैडनेस मतलब होता है दुख को, ठीक है, फ्रॉम वन साइड अपने हृदय से। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने हृदय से इस दुख को क्या कर सकता है, हटा सकता है। अर्थ आपको मजा आया और आपको सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा, एक स्क्रीन शॉट आप करिए। और हाँ, अगर अभी चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, उसी प्लेलिस्ट में आप जा करके एक एक वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, और हो सके तो मैं वीडियो का प्लेलिस्ट दे दूंगा, और नहीं दे दूंगा तो आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप प्लेलिस्ट निकाल करके आप पूरे प्लेलिस्ट में टेस्ट दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, सेंट्रल आइडिया के स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। हेलो गाइज, छाछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बटर मिल्क। यहाँ पर क्या दिया गया, आगे तरफ देखते हैं आगे क्या है, आगे दिया पहला Who shook down the hemlock tree? मतलब who shook down the hemlock tree? Hemlock tree के मतलब कौन shook down the hemlock tree? Hemlock tree के ऊपर कौन बैठा था, कौन उसको हिला रहा था, ठीक ना। तो आपको सीधा सा सिंपल सा पता होना चाहिए, पहले का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्रो। कौन था वो, वो कौन था, कौआ था, वो कौन था, कौआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर प्लीज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर प्लीज, ऑप्शन नंबर ए क्रो होगा, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट फेल ऑन द पोएट, व्हाट फेल ऑन द पोएट, व्हाट मींस क्या, फेल मींस गिरा, ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरा, डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो या डस्ट ऑफ क्रो। तो यहां पर आपका बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ मिसप्रिंट की वजह से है, ठीक है ना। तो प्लीज आप कोई भी लगा सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो सही है, वहां पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इन वाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, इन वाट मूड किस विचार में वाज मीन्स था द पोएट अर्लियर, पहले किस विचार में था, प्लीजेंट हैप्पी सैड और दुख। तो थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सैड हो जाएगा, ठीक ना। क्यों सैड हो जाएगा, क्योंकि पहले जो कवि था वो दुखी था, सैड था, वो क्या था, सैड था, पहले वो सैड था, बाद में जब कौवे ने बर्फ के टुकड़े को गिराया तो उसका मूड बदल गया, चेंज इज मूड, उसके मूड बदल गया, उसके सारा दिन उसका बच गया और बाकी दिन वो खुश रहा, ठीक है ना। तो सैड होगा, यहाँ पर सेकंड का बी और सी दोनों सही है भैया मेरे, डस्ट ऑफ स्नो है प्लीज, ठीक ना। वहां पर एग्जाम में केवल एक ही सही होगा, डस्ट ऑफ स्नो जो रहेगा वही आप ठीक करिएगा, चलो ठीक है आगे। हेलो गाइज, रायता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्स्ड कैरेट। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया है, थ्री फोर वही है, ठीक ना, थ्री और फोर वही है, थ्री है, क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए, फोर नंबर क्या दिया है, व्हाट वाज, थ्री में यहाँ पर तो सैड होगा, हमने पहले बताया था, थ्री में क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ पर थ्री में जो होगा
वो हो जाएगा आपका सैड। क्यों सैड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पढ़िए, इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, कैसे था, सैड था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, व्हाट वाज इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा ऑन द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, जब कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ का धूल या बर्फ का कण या बर्फ का पार्टिकल्स गिर गया तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। चेंज हिज मूड, उसके मूड बदल गए, चेंज हिज लक, उसके भाग बदल गए, चेंज हिज जॉब, उसके जॉब बदल, चेंज हिज कलर। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चेंज हिज मूड हो जाएगा, चेंज हिज मूड हो जाएगा, प्लीज चेंज हिज मूड हो जाएगा। मिठाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वीट मीट। चौथे बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, ठीक ना। तो यहाँ पर 5वें का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे हो जाएगा। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, क्या बताया, क्या बचा लिया, सम पार्ट ऑफ द डे, ठीक ना। चलिए कारीगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिसन। और के बाद क्वेश्चन नंबर 5 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा था, 1 मिनट प्लीज, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए 5 बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट सेज कामा इनवर्ट कामा ऑफ ए डे आई हैड रूड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रूड, रूड का मतलब क्या चीज़ होता है, वो मीनिंग पूछ रहा है, ठीक ना। रूइंड होता है या हेल्ड इन रिग्रेट होता है या रूल्ड होता है या कॉन्क्योर्ड होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हेल्ड इन रिग्रेट होगा, हेल्ड इन क्या होगा, हेल्ड इन रिग्रेट होगा, प्लीज। रूट का मतलब होगा हेल्ड इन रिग्रेट, क्या होगा, हेल्ड इन रिग्रेट होगा, प्लीज याद रहेगा, हेल्ड इन क्या होगा, रिग्रेट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम, यहाँ पर राइम स्कीम आपसे पूछा है, राइम स्कीम, तो इसका राइम स्कीम जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राइम स्कीम इसको क्या होगा, ए वी ए वी सी डी सी डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वी ए वी और क्या हो जाएगा, सी डी सी डी, इसका राइम स्कीम ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए कसाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बचर। नाइस, बहुत अच्छा, 7 का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें पोएटिक डिवाइस पूछ रहा है, एलिट्रेशन होगा या मेटाफर होगा या ऑक्सीमोरन होगा तो या सिमली होगा। तो 8 का यहाँ पर एंड सेव्ड सम पार्ट का होगा एलिट्रेशन, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एलिट्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एलिट्रेशन होगा एंड सेव्ड सम पार्ट में, प्लीज। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, ठीक ना, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 9 का यहाँ हो जाएगा हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, कई लोग इसमें जवाब लगाएंगे पार्टिकल ऑफ स्नो, तो ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, क्या हो जाएगा, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, डस्ट ऑफ स्नो यही प्रेजेंट करता है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्लीज। 9 का, 10th का हो जाएगा द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, ये दोनों किसके सिंबल हैं, ठीक ना, सौरो के, हैप्पीनेस के, सेलिब्रेशन के, डेथ के, तो ये सिंबल हैं किसके, सौरो के, ये किसके सिंबल हैं, ये सिंबल हैं सौरो के, ऑप्शन नंबर 10 का ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो वीडियो हमारी समाप्त हुई, ठीक है ना। तो कैसा लगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, चाहे आप यूपी बोर्ड से, चाहे आप सीबीएसई से हैं, प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ज़रा भी आपको ऐसा लगता हो कि टीचर्स ने अपने इफ़र्ट्स को डाला है और एक एक पॉइंट को मुझे सारा कुछ मेरे पास तक प्रोवाइड कर दिया है, मुझे कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर देने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मैंने उस प्रॉब्लम्स को सिंपल वे में सॉल्व किया है। तो आपको पसंद आया, प्लीज़ अगर मज़ा आया हो तो एक लाइक आपका बनता है, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपके पास ग्रुप्स वगैरह हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, एक हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ, चाहे सीबीएसई वाले, चाहे यूपी बोर्ड वाले, चाहे आप जब भी देखें तो ये वीडियो आपके पास लाइफ टाइम पड़ी रहेगी, आप आराम से देख सकते हैं चला करके। प्लीज़ हमें आशा है कि आप ज़रूर सेंड करेंगे वीडियो को, और वीडियो को और बहुत अधिक प्यार और बहुत अधिक सपोर्ट देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।